तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए, मैं और मेरे साथ हैं विजेंद्र भाई। तो वैसे अभी हम लोग आए थे थोड़ा लकड़ी लेने के लिए, होटल से काफ़ी आगे आए। तो यहाँ पे हैं विजेंद्र भाई, ये सूखी लकड़ी है, इसको काट रहे हैं। और मैंने दो चार एक गिरी हुई थी, वहाँ से उठा लिया इनको, ये लेके जाऊँगा। और अभी हम लोग आए होटल से 1.5 किलोमीटर आगे, तो यहाँ से ओखीमठ 14 किलोमीटर। और मौसम सवेरे ना ऐसा लग रहा था कि आज फिर से बारिश होगी, लेकिन उसके बाद धूप निकल गई तो मौसम अब काफ़ी अच्छा हो गया, मौसम साफ हो गया बिल्कुल। तो ये वाला रोड जो जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ से चोपता हो गया, और आगे 3 किलोमीटर पे मक्कू बैंड आता है, वहाँ से ये रोड डाइवर्ट हो जाता है एक मक्कू के लिए, और जो सीधे भीरी भी निकल जाता है, और एक जाता है चोपता बद्रीनाथ के लिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं पंकज नेगी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कांडा से स्वागत करता हूं अभी फिलहाल आपका चोपता वैली से अपने यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आपका भाई भी यहाँ पे मस्त है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज का ब्लॉग यहाँ जंगल की साइड का देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हम लोग आए थे यहाँ पे लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि आज काम थोड़ा कम था, तो सोचे कि लकड़ी इकट्ठी कर दी जाए, क्योंकि लकड़ी भी ज़रूरी है, पानी वगैरह गर्म करना पड़ता है होटल में, उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम होटल से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आए। वो उन्होंने लकड़ी काटी, मेरे को लग रहा है वो सीधे नीचे चला गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा चट्टान टाइप का, उन्होंने पकड़ नहीं पाए होंगे, वो नीचे गया सीधे। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या हो गया। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी काटी उन्होंने, वो जंगल से नीचे गिर गई। और अभी मैं जा रहा हूँ तो ये काट रहे थे यहाँ से लकड़ी, तो उसको रोक लेता है, लकड़ी गई यहाँ से सीधे नीचे, सारी मेहनत गई पानी में। जबरदस्त चुमा है दार जन यमा एक तो ये था काट ये जगह में सू कुछ काच सारी मेहनत इनकी पानी में चली गई, क्योंकि इतनी अच्छी लकड़ी थी, वो सूखी करारी लकड़ी थी, वो काट दी उन्होंने, वो गई सीधे नीचे में, यहाँ से नीचे खिसक गई सीधे। तो मेरे को लग रहा है आधा किलोमीटर नीचे चले गए यहाँ से, फिर कभी आना पड़ेगा इसके लिए, अभी तो टाइम है नहीं इतना कि नीचे जाएं उससे ऊपर ले आएं, है ना। तो अब एक और लकड़ी है यहाँ पे वाली सूखी, तो देखते हैं इसको ही काटना पड़ेगा। और तो इतनी लकड़ी हो गई हमारे पास, और फिलहाल यही जो अभी इतनी लेके जाएंगे, आके देखते हैं अगर और मिल गई तो फिर वहाँ से लेके जाएंगे। तो अब चलते हैं होटल की तरफ वापस, बने रहे आप लोग मेरे चैनल पे। चलो दोस्तों, अब हमने लकड़ी ले ली, अब चलते हैं होटल की तरफ, मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों, ये लेके जा रहा हूँ मैं लकड़ी कंधे पे, तो यही है हमारी पहाड़ी लाइफ स्टाइल, क्योंकि पहाड़ों में कोई भी काम आसान नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें हो या तो पीठ पे उठा के ढोना पड़ता है, या तो कंधे पे, या तो कोई लोग सिर पे ले जाते हैं, चाहे कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे यही है। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ हैं विजेंद्र भाई, और हम जा रहे हैं लकड़ी लेके यहाँ से वापस। तो पता क्या किया, एक लकड़ी थी काफ़ी लंबी थी और काफ़ी मोटी थी, मैंने काफ़ी अच्छी लकड़ी थी, सूखी करारी थी बिल्कुल, तो इन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की,
लकड़ी लगभग पूरी कट गई थी और इन्होंने उसको नीचे गिराया, रोड की तरफ गिराया। इन्होंने सोचा ऊपर ही रुक जाएगा, लेकिन वो ऊपर गिरने के बाद फिर वापस चलेगी और नीचे इतना बड़ा गड्ढा था ना, उसमें चली गई लकड़ी सीधे। तो वहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अभी टाइम भी कम था। तो इस वजह से हम लोग अभी गए नहीं वहाँ नीचे, लाएंगे उसको, छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगी थी उस पर। कभी फिर आएंगे तब वापस लेके आएंगे उसको नीचे, आपको दिखाएंगे उस टाइम भी ज़रूर। तो बने रहे अभी आप लोग मेरे चैनल पे, क्योंकि लकड़ी भी काफ़ी भारी हो रही है। तो आगे मिलते हैं आपको होटल पे। तो गाइज अभी शाम के 4 बज चुके हैं, मौसम भी थोड़ा ऐसी हो रहा, बारिश का मौसम बन रहा है। सामने देख सकते हो आप तुंगनाथ घाटी में काफ़ी फॉग लगा हुआ, और ये है सुंदर नज़ारा पोतीवासा। देख सकते हो इस तरफ तो धूप है और सामने तो बिल्कुल फॉग लगा हुआ तुंगनाथ चंद्रशिला साइड में। और मौसम में कभी धूप आ रही है तो कभी बादल लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नए दिन और नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल गढ़वाली पंकज जी में। और